हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी सिक्स सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड इसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लास्ट टाइम पे जो हमारा लेक्चर फर्स्ट हुआ था, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले वगैरह लिखाए थे और आपसे बोला था कि अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तब उसके लिए आपको पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप जितने भी उस दिन आपको याद करने के लिए कहा था फॉर्मूले, वो सभी आपने कर लिए होंगे। आज के लेक्चर में पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको समझना होगा, ध्यान में रखना होगा, उसके बाद में हम कुछ प्रूफ करेंगे और कल से आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, प्रूफ जो आज के लेक्चर में करेंगे हम थ्योरम्स की, वो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले बात लिखी हुई है फर्स्ट नंबर पे कि एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई कैन ऑलवेज बी पुट इन दी फॉर्म आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप सभी को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस फॉर्म का होता है, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म का होता है। वेयर एक्स और वाई कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं दोनों, और इसमें एक्स क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, और वाई क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो एक्स को हम क्या भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड की फॉर्म में, और वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमारे पास में नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर आर एंड थीटा आर बोथ रियल नंबर, जहां पर आर और थीटा दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। सो एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल हो गया, आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, जितनी भी चीजें बताई जा रही है बहुत गहराई से आपको यहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में कुछ प्रूफ करने के लिए होंगे क्वेश्चंस, कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, तो वहां पर आपको एकदम से दिमाग लगा लेना है कि इतने सारे फॉर्मूले में से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। ठीक है, तो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ गई आर कोस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। तो यहां से अगर आप देखोगे आई इंटू वाई, आई किस पार्ट में आ रहा है हमारा, इस वाले पार्ट में, तो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की, तो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, यहां पर आई है, यहां पर आई है, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहां से आपके पास में, r sin थीटा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, r sin थीटा। अब अगर मैं कहूं कि एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके इनको ऐड कीजिए, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से देखो कितना मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू कोज स्क्वायर थीटा, यहां से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वन, तो इट मीन्स दूसरी साइड आपको क्या मिला, आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे आर लिखा क्योंकि इसके ऊपर जो स्क्वायर था, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर की साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, पढ़ा है, तो इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस में हम क्या भी पुट कर सकते हैं, मॉडुलस जेड भी। यानी कि हमारा एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कि आर जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल भी होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में इसी से कई सारी चीजें निकल करके आई कि सपोजिट यहां से हम कोस थीटा और साइन थीटा की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, यहां से अगर आप देखो तो हमारे पास में क्या है इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, अगर हमें ओनली कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये आर मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में चला जाएगा, एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम ऐसे यहां से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आर वाई के डिवाइड में चला जाएगा और आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास में कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकल करके आ गई। ये जो इक्वेशन आई है इसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जेड का, क्योंकि यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू। तो क्या लिखा कि इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, किसका, जेड का, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किस फॉर्म में कि थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि थीटा क्या होगा, किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ
z के इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट है दी वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक चीज का ध्यान रखना, जितनी भी चीजें लिखा रही हूँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट्स इनको ध्यान से करें। द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट की वो वैल्यू जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट की वो वैल्यू जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे किसमें भी पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू। नीचे तीन चार ऑप्शन होंगे तो आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ऑल्सो जिनके सब्जेक्टिव पेपर होने उनके लिए प्रूफ में आ सकता है, ठीक है, कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं इस तरीके से। तो आपको चेक क्या करना है कि अगर वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है तो है, अदरवाइज नहीं है। लास्ट सेकंड है इसमें कि इफ जेड इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि जेड क्या है, कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के बीच में फॉर्मुलों के थ्रू। क्या कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस अगर आप निकालोगे तो वो किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होता है। एंड इसी तरीके से अगर आप आर्ग्यूमेंट निकालोगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड का तो वो किसके इक्वल होएगा, माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के इक्वल होगा। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू किसके इक्वल होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू के इक्वल होता है। ये डायरेक्टली फॉर्मूले यूज होंगे, ध्यान रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव वालों को ये एज इट इज ध्यान होनी चाहिए कि किसके होने पे क्या होता है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड वन अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड टू लिखाए भी हुए हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू ये किसके इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू के इक्वल होगा। ठीक है, डिफरेंस है सभी में तो ध्यान रखिएगा, एक बार नोट कीजिए। उसके बाद में पैरेललोग्राम लो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा थ्योरम है, या फिर आप इसको पैरेललोग्राम लो भी बोल सकते हो, किसी भी नेम से आपसे आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ दिस, बल्कि इस नाम से कम ही आता है, आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, इस तरीके से आपसे स्टेटमेंट पूछेगा। और ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बोलता है तो सिर्फ आपको यही वाली चीज प्रूफ करनी है। अगर आपसे कह रहा है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, तब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट करना है, अदरवाइज सिर्फ ये वाले टर्म यहाँ तक प्रूफ करके आपका क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा कितना है, उसके बाद में सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो थ्योरम है, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिखानी होगी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब इसके लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कोई भी टर्म है और उसका क्या दे रखा है, स्क्वायर, यानी कि मोड के अंदर कोई टर्म है और उसका स्क्वायर है। तो आपको एक चीज तो पता है कि सपोज इट अगर हमारे पास में जेड क्या है, कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम उसके मोड का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल बताया है आपको, जेड इंटू Z कॉन्जुगेट के इक्वल बताया था, इसलिए बोला था कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Z के प्लेस पे अगर Z1 प्लस Z2 है तो उससे कोई फैक्ट पड़ेगा, Z के प्लेस पे Z1 प्लस Z2 पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो एज इट इज इसके थ्रू निकल करके आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वी हैव कंडीशन, हमें क्या पता है कि मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z इंटू Z बार के। सो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है कि हमारे पास में मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, इसको ही तो सॉल्व करना है, कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर z1 प्लस z2 का स्क्वायर है तो z के प्लेस पे वैल्यू क्या है, सिर्फ z1 प्लस z2, तो z के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे z1 प्लस z2। सेकेंड क्या है, z के प्लेस पे z1 प्लस z2 आ जाएगा, लेकिन सेकेंड वाले का क्या भी लगाना है, हमें कॉन्जुगेट भी लगाना है, प्लस फिर सेम ऐसे इसके लिए करोगे तो z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे z1 प्लस z2, एक बात बताइए आपको पता है अगर लिखा हुआ है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे ये टर्म को हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट।
जेड वन माइनस जेड टू इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट की फॉर्म में सोल्व कर लीजिए, या तो मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए या फिर आपको डायरेक्टली पता है अगर आप इनको सोल्व करोगे क्या निकल करके आएगा। चलो कंप्लीट देख लेते हैं, जेड वन, जेड वन कॉन्जुगेट, नेक्स्ट है जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड टू जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट माइनस जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट। अब देखना कौन कौन सी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही है, जेड वन और जेड टू कॉन्जुगेट, जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट हमारा कैंसिल आउट हो गया, जेड टू एंड जेड वन कॉन्जुगेट यानी कि ये वाले टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई। देखिएगा जरा जेड वन कॉन्जुगेट जेड वन कॉन्जुगेट एड होकर के कितना आएगा, टू जेड वन कॉन्जुगेट, यहाँ से Z2 into Z2 conjugate और यहाँ पे भी, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगी टू टाइम्स हो जाएगा Z2 into Z2 conjugate। अब एक बात बताइए, Z1 into Z1 conjugate लिखा हुआ है, हमें पता है कि अगर यहाँ पे Z into Z conjugate है तो इसका मतलब इसको हम modulus of Z का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अगर Z के प्लेस पे Z1 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Z के प्लेस पे Z1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस टू इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर। यहां से अगर आप टू बाहर कॉमन ले लेते हो तो अंदर कितना बचेगा, मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू का स्क्वायर, और यही क्या करना था हमें, आई थिंक इसमें प्रूफ करके दिखाना था, तो ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई जो कि हमें प्रूफ करनी थी। तो इसका एक पार्ट तो यहां तक कंप्लीट हो गया, अब बस हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके दिखाना है। एक बार पहले यहां तक नोट कीजिए, अब आपको क्लियर दिखाई दे गया होगा सारा, नोट कर लीजिए। देखिएगा आगे अब क्या करेंगे, इसका जो ज्योमेट्रिकली रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, क्लियर। अब इसके अंदर हमें दिखाना क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में जो चीज आपको स्टेटमेंट में अभी हमने जो प्रूफ की है उसको लास्ट में, हमने ये वाली लाइन तो प्रूफ की थी, इसको ना आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा जहां पे भी हमने लास्ट में प्रूफ की थी। तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या दिखाना है, डायग्राम वगैरह बना करके इस चीज को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि ये वाली चीज 110% ट्रू है। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आप देखो ये वाला जो हमारे पास में थ्योरम है किस नेम से है, पैरेललोग्राम लो के नेम से है, तो हमें एक पैरेललोग्राम क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू हमें दिखाना पड़ेगा इस चीज को। देखो कैसे, सबसे पहले सपोज दैट हमने मान लिया ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। एक इस पे पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। इन पे पॉइंट्स मान लेंगे, सपोज दैट हमने कहा ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ, या आप देख लेना बोर्ड पे थोड़ी लाइनें इधर उधर हो सकती हैं, आप बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। हमने मान लिया ये वाला हमारा मिड पॉइंट हो गया ओ, कोई भी दो पॉइंट आप अपने पास से मान सकते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमने मान लिया पी क्यू और आर, ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब इसमें एक चीज आप देखोगे कि ये जो दो पॉइंट है पी और क्यू हमें किसके थ्रू दिखाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दिखाना है हमें इसको कि ये ट्रू है या नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जेड वन और जेड टू लेट कर रखे हैं, तो सपोज दैट हमने माना कि ये हम चल रहे हैं इधर की साइड जेड वन, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा पी जेड वन। सेम एज इट इज इधर को हम चल रहे हैं मान लीजिए जेड टू, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्यू जेड टू, और अगर हम बीच में चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जेड वन प्लस जेड टू मिलेगा। तो एक्चुअल में हमें क्या चीज दिखानी है इसमें कि जेड वन प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू के मोड का स्क्वायर किसके इक्वल है, टू मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर इसके इक्वल दिखानी है। तो इट मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे जेड वन प्लस जेड टू, यानी कि
अगर हम ये वाला डायगनल देखें, इसमें कौन से वाला ओ आर, तो ओ आर जो डायगनल है अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसमें नेक्स्ट क्या है जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू हमें कहां मिलेगा इसके दूसरे वाले डायगनल पे, तो यानी कि यदि हम इसके दूसरे वाला डायगनल क्या बना क्यू और पी इसका स्क्वायर करें, या फिर आप इसको पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए टू टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड वन, मॉडुलस ऑफ जेड वन हमें किस पे मिलेगा OP पे मिलेगा, यानी कि OP का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, यानी कि Z2 हमें किस पे मिलेगा OQ पे मिलेगा, तो इसका स्क्वायर, यानी कि हमें एक्चुअल में ये वाली चीज प्रूफ करके दिखानी है अगर हम इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन करते हैं तो, कि जो हमारे पास में पैरेललोग्राम है उसमें जो भी दो डायगनल्स होते हैं तो डायगनल्स का अगर हम स्क्वायर का सम करें, डायगनल्स क्या क्या है OR है और PQ है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है इसकी किसी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये चीज हमें क्या करनी है इसमें प्रूफ करके दिखानी है। भाई दो साइड एक तो ओ क्यू हो गई और एक ओपी हो गई, इन दोनों का क्या ले रहे हैं स्क्वायर ले रहे हैं स्क्वायर का सम, और हाँ दोनों साइड के स्क्वायर के सम के टू टाइम्स के इक्वल होगा ये, ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करनी है एक्चुअल में प्रूफ करके दिखानी है। आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं ताकि बाद में याद रहे कि हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले मान लेंगे कि लेट पी एंड क्यू बी एनी टू पॉइंट्स इन द आगन डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू, कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, सो वी हैव, अब देखिएगा यहां से हमारे पास में कंडीशन क्या क्या आएंगी। सबसे पहले अगर हम z1 के लिए देखें तो यदि हम मॉडुलस ऑफ z1 की बात करें तो मॉडुलस ऑफ z1 किसके इक्वल होगा यहां से OP वेक्टर के इक्वल होगा, नहीं होगा, वेक्टर टर्म नहीं आएगी। अगर हम ओनली z1 की बात करें तो z1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा OP वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि z1 किस पे जा रहा है OP पे जा रहा है। सेकेंड अगर हम क्या देखेंगे z2 देखोगे तो z2 हमारा किसके इक्वल है, यहीं पे लिख लेते हैं, एंड z2 किसके इक्वल है, z2 हमारा इस वाली पे जा रहा है तो ओ क्यू वेक्टर के इक्वल होगा। सो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं z1 प्लस z2 निकाल सकते हैं, सो z1 प्लस z2 क्या निकल करके आएगा आपके पास में OP वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर। लेकिन एक चीज बताइए OQ वेक्टर हमारा किसके इक्वल, अगर ये पैरेललोग्राम है तो OQ वेक्टर किसके इक्वल होगा PR वेक्टर के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे OQ वेक्टर के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं PR वेक्टर, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड की कैसी होगी इक्वल होगी, तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं कि OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये हमने क्या लिखा टोटल की OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर, तो यहां से लेकर के यहां तक की दोनों साइड क्या कर दी ऐड कर दी, तो इन दोनों साइड का सम किसके इक्वल होगा इसके फर्स्ट वाले डायगनल के इक्वल होगा जो कि गिवन होगा, तो इट मींस अगर ये वाला डायगनल देंगे कहां से कहां तक टेंड कर रहा है ओ से आर पे, तो इन दोनों का सम हमारा किसके इक्वल निकल करके आएगा वेक्टर ओ आर के इक्वल। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे हम क्या निकालेंगे जेड वन माइनस जेड टू की वैल्यूज निकाल लेंगे, यहां तक का क्लियर दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। देखो नाउ यदि हम किसकी वैल्यू निकालें z1 माइनस z2 की वैल्यू निकालें तो z1 क्या है आपके पास में OP वेक्टर माइनस z2 क्या है OQ वेक्टर है। अब यहां पे एक चीज बताइए OP वेक्टर में से जब आप माइनस करोगे OQ वेक्टर तो आपके पास में कौन सा डायगनल निकल करके आएगा ये वाला यानी कि पी क्यू वाला, तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर, तो जेड वन माइनस जेड टू किसके इक्वल आएगा पी क्यू वेक्टर के। अब यहां से हमारे पास में सभी वैल्यूज निकल चुकी हैं, सो अब देखिए ये तुम्हारे पास जेड वन जेड टू की थी लेकिन हमें टर्म्स किस में चाहिए मोड में, तो जब हम मोड में वैल्यू निकालेंगे तो ये वेक्टर जो है ये हट जाएगा, तो इट मीन्स जेड वन की वैल्यू अगर हम मोड में निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा ओ पी के इक्वल, मॉडुलस ऑफ जेड टू किसके इक्वल आएगा ओ क्यू के इक्वल, सेम एज इट इज मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू किसके इक्वल आएगा ओ आर के इक्वल,
एंड मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू के इक्वल, पी क्यू के इक्वल। ठीक है, अब ये जो भी हमारे पास में वैल्यूज आई है, इन वैल्यूज को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 किसके इक्वल है, OR के। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर था, तो इस कंप्लीट की वैल्यू OR है, तो OR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 PQ के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z1 OP के इक्वल है, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस मॉडुलस ऑफ z2 OQ के इक्वल है, तो OQ का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कि हेंस हमने क्या प्रूफ किया, दिस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, दिस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। और यही हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर है, इसी के साथ में ये वाला आपका कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर दिखाई दे गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, फोर नोट्स लिखे हुए हैं आपके सामने, चारों आपको ध्यान रखने। अच्छा एक बात और, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को मैट्रिक स्पेस के नोट्स चाहिए तो परचेज कर सकते हैं आप। मैट्रिक स्पेस के नोट्स आप सभी के कहने पे प्रिपेयर हो चुके हैं। अगर आपको परचेज करने हैं, कॉस्ट होगी 59 रुपीज। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नोट है आपके सामने कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द आर्गन प्लेन, देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 की फॉर्म में। दोनों तरीके से आपका आंसर जो है वो एक ही आएगा। क्या कहा हमने कि यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 जो कि रिप्रेजेंटेड है बाय द पॉइंट्स a एंड b, a और b दो पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं किसी भी आर्गन प्लेन पे, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 से भी निकाल सकते हो आप, या फिर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से भी निकाल सकते हो। सेकेंड है इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स a एंड b ऑन द आर्गन प्लेन, then the affix of the point dividing AB internally in the ratio m1 ratio m2 is the complex number this। क्या कहा आपसे कि यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 जो कि आर्गन प्लेन पे किन्हीं दो पॉइंट a और b के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो जो अफिक्स होगा ऑफ द पॉइंट जो कि किसको डिवाइड करेगा, ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा आंतरिक रूप से, और किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 के फॉर्म में। तो उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, m1 z2 plus m2 z1 divided by m1 plus m2। ध्यान रखना किसकी बात की हुई है, इंटरनली डिवाइड की बात की हुई है। नेक्स्ट द अफिक्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ z1 कॉमा z2 इज z1 प्लस z2 बाय 2। अगर आपके पास में कोई भी अफिक्स है और उसका मिडिल पॉइंट निकालना है कि नहीं दो पॉइंट z1 और z2 के लिए, तो वो क्या आएगा, z1 प्लस z2 बाय 2 से आप निकाल सकते हो। फोर्थ है इफ z1 z2 z3 बी द अफिक्सेस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हैज द अफिक्स दिस। क्या कहा है आपसे कि यदि z1 z2 z3 ये किसी भी ट्राइंगल की वर्टिसेस के अफिक्सेस हैं, सो तब जो सेंट्रोइड होगा ट्राइंगल का उसका अफिक्स क्या होगा, z1 plus z2 plus z3 by 3 होगा।
ठीक है। तो ये चारों नोट आपको ध्यान रखने, आगे क्वेश्चंस में इनका यूज होगा। अब दो थ्योरम्स करेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स जिसको भी लेने हैं भाई व्हाट्सअप कर सकता है, कॉस्ट होगी 59 रुपीज। एक चीज की गारंटी है, अगर इन नोट्स को आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो ये मान करके चलिए मैट्रिक स्पेस से जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा और आपका पेपर आधे से ज्यादा जो है वो बहुत अच्छा चला जाएगा। अगर आप सेकेंड बुक भी अपनी तैयार नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट बुक से ही आपका इतना हो जाएगा कि आपके पासिंग मार्क्स जो है वो अच्छे से आ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि आप में से ऐसे होते हैं कि दीदी हमें तो एक ही बुक करनी है, बस एक बुक बता दो बस पास हो जाए, किसी तरीके से सेकेंड बुक करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो देख लेना जैसे भी आपको करना है, सेकंड बुक भी आपकी चल ही रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। नोट कीजिए फिर आगे करेंगे थ्योरम प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा आपके सामने लिखी हुई है, द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेक एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस इज जेड इज इक्वल्स टू आर इनटू ई टू द पावर आई अल्फा वेयर आर इज एनी रियल पैरामीटर। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ओरिजन है और कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो इस ओरिजन से पास आउट हो रही है और वो रियल लाइन के साथ में एक एंगल बना रही है अल्फा। ठीक है, ये वैसे ही डायग्राम बना दिया, प्रॉपरली मत जाना दीदी, लाइनें इधर उधर जा रही है। चलो अच्छा सा बना लेते हैं, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। हमने माना कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो कि पास आउट हो रही है किससे, ओरिजन से, और वो रियल एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रही है अल्फा। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई टू दी पावर आई अल्फा होगी। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करके दिखाना है जहां पर r क्या है, कोई भी रियल पैरामीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या मान लेंगे, देखिएगा यहाँ पे हमें प्रूफ के लिए z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई टू दी पावर आई अल्फा, तो पहले तो हमें कहीं भी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, कोई भी एक पॉइंट है किस पर, इस स्ट्रेट लाइन पे जो कि इस ओरिजिन से पास आउट हो रही है और रियल एक्सिस के साथ में क्या बना रही है, एंगल बना रही है अल्फा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप कि लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस। ठीक है, सो देन ये चीज हमने यहां पे लेट कर ली कि ये कोई भी पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे। देन अभी मैंने आपको कई सारे नोट लिखा है, उससे पहले कुछ टर्म्स लिखाई थी जो कि आपको याद रखना बताया था। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ टर्म्स आपको लिखाई थी कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, r इंटू कोस थीटा प्लस i साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां से मैंने आपको किसकी वैल्यूज निकलवाई थी, x और y की भी वैल्यूज निकलवाई थी कि x को हम क्या बोलते हैं, r cos थीटा भी लिख सकते हैं और y को हम r sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है अल्फा की, तो अल्फा लेकर के चल सकते हैं। वी हैव हमारे पास में कंडीशन क्या होती है कि x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, r cos अल्फा के इक्वल होता है एंड y किसके इक्वल होता है, r sin अल्फा के इक्वल होता है, होती है दोनों चीजें। सो अगर हम वैल्यू निकालें x प्लस आई वाई की तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, x की वैल्यू पुट करोगे आप r cos अल्फा प्लस i एज इट इज, y की वैल्यू पुट करोगे तो r sin अल्फा। यहां से x प्लस आई वाई आर दोनों टर्म्स में, तो आर आप कॉमन ले लोगे, अंदर कितना आ जाएगा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा आ जाएगा। एक बात बताइए, x प्लस आई वाई किसकी इक्वल है, z के, तो इसके प्लेस पे तो हम z पुट कर सकते हैं। आर हमें पता है कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ये किसकी इक्वल होता है, e टू दी पावर आई अल्फा की इक्वल होता है, नहीं, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, e टू दी पावर आई अल्फा पुट कर सकते हैं। और हमें प्रूफ भी क्या करना था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू आर इनटू e टू दी पावर आई अल्फा होती है। तो यही हमारे पास में रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, विच लास्ट में आप लिख सकते हो क्या, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस।
यही क्या करना था इसमें, प्रूफ करके दिखाना था हमें थ्योरम में। अब देखो ये तो सिंपल हो गई, एक इसी के जैसी एक और थ्योरम है। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें ही समझा दूंगी, आप खुद से कर लीजिएगा। ले लिया। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो कह रही है कि द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी और पासिंग थ्रू दी पॉइंट जेड वन। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या कह रही है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट जेड वन एंड मेक्स एन एंगल अल्फा विद रियल एक्सिस इज। तो जो आपसे इक्वेशन कही है वो किस फॉर्म की कही है, जेड इज इक्वल्स टू जेड वन प्लस आर इंटू ए टू दी पावर आई अल्फा। इस फॉर्म की आपसे इक्वेशन कही है कि मान लीजिए सपोज दैट कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास, ओरिजिन से नहीं कहा इस बार इन्होंने कहा है किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट z1 से पास आउट हो रही है, तो ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि ओरिजिन से आपसे नहीं कहा, कहा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट z1 से पास आउट हो रही है और रियल एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है अल्फा। तो जो उसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, z इज इक्वल्स टू z1 प्लस r इंटू e टू द पावर i अल्फा होगी, जहां पर r क्या है, कोई भी रियल पैरामीटर है। तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले तो यही लेकर के चलोगे कि माना z इज इक्वल्स टू दिस, कोई भी एक पॉइंट हो गया स्ट्रेट लाइन पे जो कि किससे पास आउट हो रही है, थ्रो दी पॉइंट, यहाँ पे लिख दोगे आप थ्रो दी पॉइंट z1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस, देन x की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x और y ना लिख करके आप यहाँ पर मानोगे x की जगह पे x माइनस एक्स वन और y की जगह पे आप क्या मानोगे, y माइनस वाई वन लेट करोगे पॉइंट, जो आप पॉइंट लेट करोगे वो x की जगह पे x माइनस एक्स वन और y की जगह पे y माइनस वाई वन लेट करोगे, क्योंकि क्योंकि हमने माना कि अपने पास से कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये तो एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे और ऑल्सो वो स्ट्रेट लाइन पास आउट हो रही किस पॉइंट से, z1 पॉइंट से, तो z1 पॉइंट से पास आउट हो रही, इसका मतलब z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन भी होगा, ठीक है। तो चाहे तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली z ना मान करके आप स्टार्टिंग में ही z1 से मान लीजिएगा कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, कोई भी पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे जो कि पास हो रही है किससे, पॉइंट z1 से, तब उस कंडीशन में यदि वो रियल एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा, देन हमने माना x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू दिस, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू दिस। तो बस थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा, यहाँ पे हम x लिखते थे, x के प्लेस पे क्या आएगा, x माइनस एक्स वन, भाई यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली वो x प्लस आई वाई की निकाली, तो x के प्लेस पे कितना आएगा, x माइनस एक्स वन प्लस आई इंटू वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, y माइनस वाई वन। यहाँ से आप इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, x प्लस आई वाई माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, x वन नेक्स्ट मिल जाएगा प्लस के आई वाई वन, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। x प्लस आई वाई तो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा, ये टर्म्स तो एज इट इज चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के z माइनस x1 प्लस आई वाई वन, ये हमने किसके इक्वल माना, z1 के इक्वल माना, तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, z1। तो कंडीशन क्या निकल करके आ गई, z माइनस z1 इज इक्वल टू दिस। ऑल्सो हम इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट हम इसको ये वाला माइनस जेड वन ना दूसरी साइड जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा, जेड वन प्लस आर इंटू ई टू दी पावर आई अल्फा। और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करना था इस वाली थ्योरम के लिए, ठीक है। तो दोनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी आ सकती है, तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे जेड वन पॉइंट के लिए कह रहा है तो इस तरीके से आप पॉइंट जो है एक्स माइनस एक्स वन और वाई माइनस वाई वन लेकर के सोल्व करोगे, अदरवाइज डायरेक्टली जैसे कि हमने पहली थ्योरम में किया था, नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।